पुरानी पेंशन की बहाली और 12 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को पदोन्नति दिलाने के लिए आजाद अध्यापक शिक्षक संघ लगातार आंदोलन कर रहा है। ये तस्वीरें रविवार की हैं, जब छतरपुर में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की जिला इकाई के नेतृत्व में कई शिक्षक प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। रविवार का दिन था, इसके बावजूद नायब तहसीलदार अभिनव शर्मा यहां पहुंचे और शिक्षकों की मांगों से जुड़ा उनका ज्ञापन लिया। इस ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने दो प्रमुख मांगे रखी। शिक्षकों का नेतृत्व आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनुपम त्रिपाठी ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। प्रांतीय अध्यक्ष माननीय भरत पटेल जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों जिला मुख्यालयों पर आज केवोन्नति पदोन्नति रैली का आयोजन किया गया, क्योंकि हमारे अध्यापक संवर्ग के जो शिक्षक साथी हैं उन्हें 12 वर्ष की अवधि पूर्ण किए लगभग 3 साल और 4 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी केवोन्नति के आदेश जारी नहीं हुए, ना ही पदोन्नति हुई है। तो आज इसी को लेकर पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन का कार्यक्रम है, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा है। उनसे मांग की है कि जो पदोन्नति की उन्नति हम लोगों की रुकी हुई है, जिससे कि आर्थिक क्षति हर महीने हम लोगों को हो रही है, इसके आदेश जारी किए जाएँ, हम लोगों की पदोन्नति का रास्ता निकाल के पदोन्नति की जाए, साथ में पुरानी पेंशन व्यवस्था NPS की को खत्म करके और पुरानी पेंशन हम लोगों के लिए लागू की जाए। ये मुख्य मांग नहीं होती हैं आप लोगों की मांगे, तो अगला कदम क्या रहेगा? जी, अगला कदम माननीय हमारे प्रांत अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, इसके बाद अगला कदम तो उसके हिसाब से हम लोग जो भी होगा धरना प्रदर्शन रैली उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। प्रांत से जैसे निर्देश आएंगे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।